40 और 70 के दशक में कई सारी हसीन अभिनेत्रियों ने अपने हुस्न का जादू बड़े पर्दे पर पेश किया था। उनमें से कुछ अभिनेत्रियां वे भी थी जो एक समय तक लाखों दिलों की धड़कन रही और अचानक फिल्मी पर्दे से गायब होकर अनजान रहकर जिंदगी गुजारी। आज मैं आरजे अनामिका आई हूँ उस हसीन अभिनेत्री की कहानी लेकर जो 40 के दशक में स्टार अभिनेत्री कहलाई, पर उस वक्त वे फिल्मी रीति रिवाज के कारण शादी करने के तुरंत बाद औपचारिक रूप से गायब हो गई। 1945 की पहली नजर, 1947 की दर्द, ऐलान और कनिज, 1950 की बाबुल फिल्मों के नाम अगर लिए जाए तो पहला ख्याल जिस अभिनेत्री का आता है वो है मुन्नवर सुल्ताना। दोस्तों, मुन्नवर जी को आज के समय में शायद ही कोई याद करता होगा, पर उनका चलन काफी हद तक मशहूर रहा। उनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो सुरैया, श्यामा, नरगिस जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के एक सूची में मुन्नवर जी का भी नाम आता है। 8 नवंबर 1924 को लाहौर में पंजाबी मुस्लिम परिवार में मुन्नवर जी का जन्म हुआ। बचपन से उनका सपना था कि वे डॉक्टर बने, पर किस्मत से वे अभिनेत्री बन गए। दरअसल मेडिकल की तैयारी करते वक्त उनकी पहचान लाहौर स्थित पंचोली पिक्चर के मालिक दलसुख पंचोली से हुई। पंचोली साहब ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म खजांची में बार गर्ल का किरदार दिया। 1941 के इस फिल्म का गाना पीने के दिन आए दर्शकों के बीच मशहूर हुआ और फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद मुन्नवर जी का करियर चल पड़ा। दर्शकों का प्यार देख के उन्होंने सोच लिया कि अब वे मुंबई जाकर अभिनेत्री बनेंगी। मुंबई आकर अब्दुल रशीद कारदर साहब की फिल्म शाहजहां में मुमताज महल का किरदार जरूर मिला, पर बॉम्बे डॉक में हुए धमाके से देश में डर का माहौल बना। ऐसे में मुन्नवर जी को उनके परिवार ने फिर से लाहौर बुला लिया। मायूस मुन्नवर जी ने फिर से मेडिकल की तैयारी शुरू की, पर एक दिन उनके घर मशहूर फिल्मकार मजहर खान का आना हुआ। उन्होंने मुन्नवर से कहा, तुम्हारी जगह फिल्म जगत में है, तुम मेरे साथ मुंबई लौट आओ। और इस तरह मुन्नवर फिर से मुंबई आई और यहाँ से उनका फिल्मी जीवन का आरंभ हुआ। पहली फिल्म 1945 में रिलीज हुई जिसका नाम था पहली नजर। इस फिल्म का गाना दिल जलता है तो जलने दे बेहद प्रसिद्ध हुआ। फिर कादर साहब ने उन्हें 1947 की दर्द फिल्म में एक ऐसा रोल दिया जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। इस फिल्म का गाना अफसाना लिख रही हूँ आज भी दर्शकों में लोकप्रिय है। फिर अंधों की दुनिया, ऐलान जैसी फिल्मों में उनके प्रसिद्धि पर 4 चांद लगा दिए। तब तक तो मुन्नवर जी फिल्म जगत की सबसे सफल अभिनेत्रियों की सूची में आ गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब फिल्मकार उन्हें सबसे बिजी एक्ट्रेस के रूप में देखते थे। एक एक साल में कई सारे फिल्में मुन्नवर जी करने लगी थी। 1948 से 1950 के काल में मुन्नवर जी ने 15 फिल्मों में काम किया। मजबूर, मेरी कहानी, कनिज, बाबुल जैसी सुपरहिट फिल्मों में मुन्नवर जी ने सह अभिनय किया, पर 1950 का जमाना खत्म होते होते कई सारे नई एक्ट्रेस ने फिल्म जगत में प्रवेश लिया, इसलिए वे कभी लीड किरदार में दिखती तो कभी सेकंड लीड में। पर मुन्नवर जी ने अपनी काबिलियत की छाप हर एक किरदार में छोड़ी है। इस बीच प्रोड्यूसर शराफ अली से उन्हें प्यार हुआ। प्यार को बरकरार रखने के लिए मुन्नवर के साथ शराफ जी ने 1948 की मेरी कहानी और 1950 की प्यार की मंजिल फिल्म का निर्माण कर दिया। इस बीच दोनों की शादी हुई और परंपरा के अनुसार मुन्नवर जी ने भी फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनकी आखिरी फिल्म जल्लाद रही जो 1956 में रिलीज हुई थी। 1956 के बाद वो इस कदर फिल्मों से दूर हो गई कि लोगों ने समझा कि मुन्नवर जी का देहांत हो चुका है।
पर 1966 में पति के आकस्मिक निधन के वजह से मुन्नवर पूरी तरह से टूट गई। तब तक तो वो सिनेमा को भूल चुकी थी और सिनेमा ने भी उन्हें भुला दिया था। चार बेटे और तीन बेटियों का बोझ मुन्नवर ने अकेले ही उठाया। साथ ही अल्जाइमर जैसी बीमारी ने दबोच लिया और 15 सितंबर 2007 को इस हसीन अभिनेत्री का देहांत हो गया। मुन्नवर जी ने फिल्म जगत को छोड़ दिया, इसीलिए इसके बदले फिल्म जगत ने भी उन्हें भुला दिया। आज समय ऐसा आया है कि उन्हें सिर्फ एक गाने के लिए याद किया जाता है, अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका, मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।